इसके लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ जनाब सज्जाद झंझट को, तशरीफ लाएं और इस मुशायरे में झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब सज्जाद झंझट। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मंसूर बदर साहब को। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अगर वो चाहते तो, अगर जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने मुशायरे का एडवर्टाइजमेंट किया है उसका नतीजा आप देख रहे हैं। वो चाहते तो सिर्फ सहारनपुर के लोग ही लौटते माशाल्लाह। बहरहाल ये दो मिसरे मैं आज कर रहा हूँ जो भी लिखे हैं, खासतौर से आपकी नजर करता हूँ। आपने बड़ी मेहनत से खड़ा कर लिया मुशायरा, आपने बड़ी मेहनत से खड़ा कर लिया मुशायरा, लेकिन कुछ ज्यादा ही खड़ा कर लिया, करता हूँ। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझू, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझू, चमेली के भी साए चाहता हूँ। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझू, चमेली के भी साए चाहता हूँ, और मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें फिर उसके बाद चाहे चाहता हूँ। मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। और माशाल्लाह बहुत लोग यहाँ तशरीफ फरमा है दूर तक, वरना डायस पर ऐसा होता था कि सुनने वाले सामाइन कम होते थे और शायर बहुत होते थे, और शायद हो भी क्यों ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है। मैंने दो मिसरे कहे थे शायरों के, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बड़े ई रिक्शा के साथ। पर दो चीज बढ़ी हिंदुस्तान में, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बड़े ई रिक्शा के साथ। और यहाँ भी मुझे शायरों से एक फार्मूला मिला है, चार दूसरे सुन ले कि आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगे, आप लोगों को शायद मुतबर दिखने लगू, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगू, हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगू। अच्छा। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगू, हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगू, सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूँ खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगू, सोचता हूँ खुद को मैं डॉक्टर लिखने लगू। और टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, अच्छा टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सुखाई भी रहे। टीवी हो रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सुखाई भी रहे। लोगों ने गजल नजल से कोठे बना लिए, तू अपने तलफ़ुज़ के भूखाई भी रहे। लोगों ने गजल नजब से कोठे बना लिए, ओहो तू अपने तरफ लिए भूखा, वाह वाह वाह। अरे भाई क्या हुआ, नहीं देखिए ये ऐसे न कीजिए, किसी को ऐसे सख्ती से बिठाना मुनासिब नहीं है, ये तो उठा रहे सख्ती से, नहीं बिठाना चाहते हैं वो, नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं
जल्दी से बैठ जाइए। हाँ सज्जाद भाई, हाँ साहब बैठिए, आप तशरीफ रखिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा मंसूर बदर साहब का माशाल्लाह मुबारकबाद पेश की जाती है खासतौर से, और मेरे बड़े अजीज गुलाम रब्बानी साहब ने तशरीफ करता फरमा है, मेरे एक और करम फरमा जावेद सादरी साहब जो बड़ी मुशायरों से ही उनसे मेरी मुलाकात होती है, और दीगर शोरा इकराम को भी आपको सुनना है। अगर ऐसे सुनेंगे तो सारी रात खत्म हो जाएगी, वक्त बहुत कम है। बहुत सारे शोरा इकराम बहुत दुनिया के मशहूर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, आप तशरीफ रखें। गला काम नहीं कर रहा है, गले से मुकाबले किया है कि जब किसी शायर का गला बैठ जाता है बड़ी दुश्वारी आ जाती है। मेरा भी गला कुछ इसी दौरान जो भी बेहू वगैरह चला है बड़े गाँव काम नहीं हुआ, गला बैठ गया। और उस गले के बैठने से हुआ ये कि मैं रात के वक्त अपनी वाइफ से मैंने शेयर किया, मैं परेशान था बहुत, सोचा कि मैंने इससे कोई दवाई मिल जाए। मैंने उनसे कहा अब वाइफ ने सोचा दुकानदारी की बात है, गला बैठ गया। उन्होंने मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब का बराबर में मकान है, रात का करीब 1:30 बजा था, मैं बाहर निकला और मैं रात के घेरे में निकला और साथ मेरे अजीज के डॉक्टर भी ताल्लुकात थे। तीसरा दरवाजा था, तीसरा दरवाजा जाके लॉक किया, डॉक्टर साहब ने नहीं खोला, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। गला तो काम नहीं कर रहा था, आवाज नहीं कर ले थी, मैंने उनसे मुखातिब हुआ उनकी खूबसूरत बीवी से, कहने लगी नहीं आ जाओ, फायदा भी हो जाता है। हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, हम जहाँ जाए वहाँ लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या कहना, क्या करें, नाम ऐसा भूल गया वरना हम भी आदमी थे काम का, क्या करें नाम ऐसा भूल गया वरना हम भी आदमी थे काम के। और जो लोग तशरीफ रखते हैं अभी पुलिस हमारे डिपार्टमेंट से बैठे थे, तो मैं उनके चार मिसलों की नजर करता हूँ कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में। अच्छा वो एक मिसाल, एक लड़का जो था एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत मेकअप में देख के उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया। अच्छा, उस मोहतरमा के पीछे उसकी शक्ल देख के हाथ धो के पीछे पड़ गया, पीछा जब छुटा जब उसने मुंह धो के दिखाया। भैया अच्छा है, हाथ धो के पीछे पड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ गया तो उसने भी मुंह धो के दिखाया था। एक दिन कर बैठा जिनमें इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई, एक दिन कर बैठा जिनमें इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज में था आशिक मिजाज इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जिनमें इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज में था आशिक मिजाज इसलिए मेरी जमानत हो गई। अब आ भी जा न नफरे न झंझट दिखा मुझे, अच्छा वाह, अब आ भी जा न नफरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम की सर्द है, क्या कहना क्या कहना। जा सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। जा सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, डेंगू से उठाऊ, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। और यहाँ से चार मिसर और मुलाजम, अभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है तो अपनी बाइक से उनको रिझाने के लिए चार मिसरों में थे, मुलाजम फरमाए कि दी है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है। वाह वाह वाह, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है बस इतना बता दो मोबाइल डबल सिम तो नहीं है। एक साहब अपने बेटे को लिए जा रहे थे रिश्ते के लिए और उसे समझाते जा रहे थे, बड़े लालची आदमी थे, समझाते जा रहे थे रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, और दहेज की बात जब होगी जब वो स्कूटर दे तो गाड़ी मांगना, गाड़ी दे तो एसी मांगना, एसी मांगे तो फिर कोठी मांगना, कोठी दे तो ये बड़ा शांत था अपना बाप अपने बाप से बेटा। वो बोला अगर वो लड़की दे तो उनकी माँ मांग लू। जा गया
भाई ये अच्छा है। अब मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आप क्यों रिश्ते के लिए बेटा, मैंने कहा क्यों रिश्ते के लिए फिर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह वाह, रिश्ता है गुफ्तार में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल मिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता है गुफ्तार में कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल मिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। इस लॉकडाउन में ये हालत रही साहब बड़ी परेशानी के, लोग अंदर जिसके घर चले गए फंस के रह गए। इसी पिछले दिनों हुआ कि यही था कि साहब मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए, फंस के रह गए 15-14 दिन तक फंस रहे, हम शायरों का भी कारोबार बंद मेहमान होने की वजह से क्या करते साहब, मैंने भी परचून की दुकान खोली, कैसे करता खिदमत की दालों के साथ दाले की उड़द की दाल की खिचड़ी सुबह को दूसरे को मूंग की दाल की शाम को फिर रोटी और दाल फिर अगले दिन सुबह को मूंग की दाल उड़द की दाल चने की दाल। अब हुआ ये साहब उन्हें काफी दिन दाल खिलाते हो गए कोई एहसास उन्होंने नहीं दिला रहा, लेकिन वो बड़े नाराज थे। कलियर शरीफ का मेला आने वाला था 12 रबी अव्वल की तारीख, शाम की डिसाइड नहीं हो पा रही थी कि क्या तारीख आज, वालिद साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 6 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था। तो हम मेहमान से मुखातिब थे, मैंने मेहमान से पूछा मैंने हजरत आप बताइए कि चांद की क्या तारीख है, आपने चांद का तो पता नहीं आप दान की 14 चांद की तो पता नहीं दाल की 14। अच्छा जब एहसास दिलाया मेहमान ने तो हमें वाकई ऐसे, मैंने अपने वाइफ से कहा क्या करें, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अंडे तो मिलते ही दुकान में, गोश्त चिकन ना मिले दुकान में, बंदो मटन ना मिले तो और क्या करें। तो साथ हुआ ये कि उनके लिए अंडा करी बनाई गई और अंडा करी बनाई उनके सामने पेश की बड़े खुशी के साथ कि इस बार जो है मेहमान खुश हो जाएंगे, लेकिन ये मेरी बदनसीबी या मेरी किस्मत खराब अंडा करी जब उनके अंडे से एलर्जी थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था या अंडे से परहेज था, अंडा करी को देख लेंगे तासुरात चेहरे के बदल गए और जब चेहरे के तासुरात बदले तो वहां से चार मिश्रे हुए मुलाद कर पाए जी। इरशाद का मामला यह है कि इरशाद नाम का आदमी मुशायरे में ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से भी ना सुन सकता, इरशाद नाम का आदमी को चैन में देखते नहीं। तो वहां से चार मिश्रे सुने अंडा करी, अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात, झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। हजरत गुलाबी आपने जनाब सज्जाद झंझट से उनकी खूबसूरत तंजिया बदलिया शायरी सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपनी फहरिस्त में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तमाम शोरा और शायरात का कलाम आपको सुनना है। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा